मैं आपको बताऊंगी जो एक दिन सब्जी बनाए थे लेकिन उसका नाम नहीं शेयर किए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज अभी सुबह से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी भिंडी की भुजिया छौंके हैं और बाकी बनाना है रोटी इनके लिए, हम लोगों के लिए जो कचौड़ी बनाया थी कल रात में तो नाश्ता के लिए वही रखा है। और देव चले गए हैं, देव का और उनका दोनों का आज से हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गया है तो आज दोनों का मैथ है और बहुत ज़्यादा इधर भी बहुत ज़्यादा उन देव पे। ओम का तो खैर अब सच बोले तो अब उतना नहीं समझ में आ रहा है, 8 में आ गए हैं तो मतलब अब उतना मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि अब ओम खुद से बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। पहले था कि केवल ओम थे तो ओम को समय देना था, अब देव हैं, देव भी 4th में हैं तो उनका भी मतलब हो गया है और काफ़ी टफ हो गया है देव का। और देव का मेरा रहता है ना कि बहुत ज़्यादा स्कूल की तरफ से दबाव रहता है ना तो मुझे बहुत मतलब दया लगता है, जैसे लगता है अभी बच्चा मेरा कितना छोटा है, कितना ज़्यादा इसका हो गया है। तो बहुत ज़्यादा कल तक तो बहुत ज़्यादा उसको मैथ समझाना पड़ा, इतना ज़्यादा हो गया है ना। तो अभी देव तो देव के तो आने का समय है 9:50, हाँ 9:50 पे देव आएंगे और ओम जाएंगे 10:20 पे और फिर आएंगे 1:40 पे। तो मेरा दोपहर का देखते हैं सोने का क्या होता है, सुबह से उठे रहो लेकिन सोने का कुछ तय नहीं है, वो आएंगे तभी सो पाएंगे। आज से अपना एक्सरसाइज भी शुरू किए और छत पे जाके टहलना भी, तो इधर बीच 8-10 दिन लगभग हो गया था या उससे अधिक ही हो गया होगा, सब कुछ बंद हो गया था, बिल्कुल जैसे चलने का ही मन नहीं कर रहा था। तो आज से सब कुछ शुरू हो गया और बहुत अच्छा लगता है जब अपने लिए थोड़ा सा कुछ कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि सबके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी कर लिए। और अभी झाड़ू केवल लगाए हैं, झाड़ू लगा के नहा के और भुजिया काटे थे तो हम कह लगे हाथ छौंक भी देते हैं तो इतना ही काम हुआ है, पोछा भी नहीं लगाए हैं। तो बीच में काम करते करते मैं पोछा भी लगा लेंगे क्योंकि केवल भुजिया बनाना है और इनके लिए रोटी बनाना है। आज मैं आपको बताऊँगी जो एक दिन सब्जी बनाए थे लेकिन उसका नाम नहीं शेयर किए थे और आप लोगों से पूछे थे कि इसका नाम बताइए, मतलब किस चीज़ की सब्जी है, तो कोई भी एक का दो का लोग ने गेस भी किया था लेकिन सही नहीं था और कुछ लोगों ने पूछा था कि इसका नाम बताइएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आज बताएंगे कि किस चीज़ की सब्ज़ी थी, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा समय था तो कहे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और फिर क्योंकि किचन में चले जाएंगे तो फिर वीडियो के लिए समय नहीं मिलेगा। और आजकल क्या हो जा रहा है, ज़्यादातर दोपहर से या शाम से वीडियो स्टार्ट कर मतलब वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो आज सोचे थे कि आज सुबह से ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं किचन में और फिर इसके बाद तो फिर पूरा किचन का काम निपटने के बाद ही बात हो पाएगी। किचन में आपको दिखाएं तो चाय भी बन रहा है और ये बनाया भिंडी की भुजिया और रोटी भी बन गया है, तो रोटी पूरा बना लिया। और पूरा रोटी नहीं है, इसमें नीचे है कचौड़ी, तो जो कचौड़ी बनाए थे तो मेरे नाश्ते के लिए बचा हुआ है और बाकी दोपहर के लिए रोटी बनाए हैं, तभी इनका टिफ़िन पैक कर देते हैं। और इधर आपको दिखाएं ये पालक काट के रख लिए हैं और चने की दाल में बना रहे हैं। पालक ला के 2-3 दिन से रखे थे और ऐसा हो जा रहा था कि कुछ कुछ अलग अलग बन जा रहा था, बहुत सारा पालक तो मतलब ख़राब हो गया था तो निकाल दिए थे, इतना ही बचा है चने के दाल में बनाएंगे। बर्तन भी पूरा क्लीन हो गया है, बस जो रोटी बनाए हैं वही है, सारा काम ख़त्म हो गया है किचन का। तो बस अपना इनका टिफ़िन पैक कर दें और इनको भी नाश्ता दें और अपना चाय नाश्ता लेके चलते हैं। जाके हम लोगों का नाश्ता भी हो गया और काम सारे ख़त्म हो गए, ये चले गए, ओम भी चले गए, देव आ भी गए। और कपड़ा दिखाएं आपको तो पूरा कपड़ा, सारे कपड़ा तो सुबह ही फोल्ड करके रख दिए थे, कुछ कपड़ा ये प्रेस किए हैं और कुछ फोल्ड करके रख दिए हैं जो नहीं प्रेस किए थे। और ये मेरा है तो ये आज धुले थे तो ये भी अभी सूख गया है, 10:30 हो रहा है, ओम भी चले गए और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। बीच में पोछा भी लगा लिए तो वो सब का वीडियो नहीं बनाए,
समय भी नहीं था और मन भी नहीं था, दोनों था। तो काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है और अभी बस यही सब कपड़ा हटाना है। कपड़ा हटा ले और देव तब तक कर रहे हैं नाश्ता, नाश्ता कर लेंगे, नहाएंगे, उसके बाद सुलाएंगे उनको, क्योंकि फिर ओम आएंगे तो ये नहीं सोएंगे और सोएंगे भी नहीं। और फिर चाहे मतलब एक घंटा सोए हुआ रहे या आधा घंटा, ओम आएंगे तो फिर तुरंत उठ भी जाएंगे, इसलिए उनको 11:30 तक सुला देंगे ताकि उनके आने तक थोड़ा देर मतलब सो लें। और ओम तो नहीं सोते हैं क्योंकि 9 बजे के लगभग में उठे हैं, तो फिर वो नहीं सोते हैं। और उनका स्कूल रहता है, मतलब एग्ज़ाम नहीं रहता तब तो वो उठते हैं और 9:30 उठते हैं, तो तब तो और नहीं सोते हैं। और आज भी बोलेंगे तो कहेंगे नहीं माँ 9 बजे तक तो उठा हूँ, क्यों सुला रही हैं। अभी इसको बस फोल्ड कर लेते हैं और बाकी सब कपड़ा हटा दें, तब अब काम ख़त्म हो जाएगा मेरा। शाम की वीडियो है, तो शाम को जब ये आ रहे थे तो देव फ़ोन करके बोले कि पापा वेज कबाब रोल लेके आइएगा, वरना पहले खिलाते थे तो बहुत इनका नखरा रहता था कि मुझे नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दाल भी चढ़ा दिए हैं, जब तक देव अभी गए हैं नहाने, नहाएंगे फिर थोड़ा देर टीवी देखेंगे, तुरंत तो वो आएंगे नहीं सोने के लिए, तब तक दाल भी बन जाएगा तो बस चावल बनाना रहेगा। चने की जो सब्जी बनाए थे कल तो वो भी थोड़ा सा रखा हुआ है, भुजिया तो बनाए ही है और ये दाल भी बना दिए हैं पालक डाल के, तो यही सब से हो जाएगा। रोटी बना लिए हैं तो अभी कुछ करना नहीं है, जब ओम आएंगे तो बस चावल बनाना रहेगा, बाकी सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और 11 बजने वाला है, 10 मिनट कम है 11 बजने में, सारे काम ख़त्म हो गए। और इतना जल्दी काम सुबह का यही रहता है, अगर सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारे काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और अगर सुबह देर में उठो ना तो पूरा काम समय मतलब टाइम समझ में नहीं आता। अब ये लोग गए और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, तो अभी आपके सवाल का जवाब भी दे दें। तो जो उस दिन सब्जी बनाए थे वो था पहले तो बुधवार का दिन था और मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, शायद इनके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाए थे जो मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, और मुझे पसंद नहीं है तो मैं तो बनाती भी नहीं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्ज़ी हो भुजिया हो, मैं भुजिया खा लेती हूँ, और भिंडी का कभी वो होता है भरवा टाइप का, कलौजी टाइप का बनता है तो वो भी खा लेती हूँ, लेकिन भिंडी की सब्ज़ी रस्सा पड़ जाए तो वो मैं नहीं खाती, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए बनाती हूँ। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अपने लिए कुछ बनाऊँ, नमक का, अगर दूध रोटी खाती हूँ, दही रोटी तो इधर बीच खा नहीं रही हूँ, तो दूध रोटी खाती हूँ तो फिर नमक नहीं मिलेगा, फिर सुबह मतलब व्रत रहना है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तब फिर याद आया, मेरी सहेली है, वो मतलब कभी कभी ऐसे बातों में बताई थी कि मैं कभी जैसे रहता है ना सुबह टिफ़िन में ज़्यादा तामझाम करने का मन नहीं करता, तो जो फ्रेश घर में जो मलाई रखी होती है उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, तो मुझे लगा कि चलो उसी का सब्ज़ी बना लेते हैं और टेस्टी तो खैर मलाई है तो टेस्टी तो हो ही जाएगा, और सबसे ज़्यादा था कि मेरा नमक का हो जाएगा। तो उसमें क्या किए थे कि थोड़ा सा मखाना भून के और उसको भी डाल दिए थे कि थोड़ा सा जैसे लगता है कि बनाएंगे तो केवल अपने लिए तो खाएंगे नहीं, मेरे ओम को भी हर चीज़ नए तरीके का कुछ भी बनाओ तो ओम को भी पसंद है, और इनको तो खैर मतलब ऐसा नहीं है, इनको पसंद तो है ही, तो इसीलिए थोड़ा सा मखाना डाल दिए थे और बस टमाटर और प्याज था, बाकी उसमें ना लहसुन डाले थे, हाँ मिर्चा थोड़ा सा डाले थे, मसाला भी बहुत थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा गर्म मसाला डाले थे, बाकी मसाला नहीं डाले थे। बहुत मतलब इतना अच्छा बना था ना कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि फिर भिंडी की सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा है, जैसे फ्री नहीं होता है कि अब कहाँ मलाई की सब्ज़ी और कहाँ भिंडी की सब्ज़ी, तो मतलब लेकिन ये था ना कि वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा चलता भी नहीं,
आप सोचे कि जैसे सब सब्जियां खाते हैं ज़्यादा ज़्यादा लेके, तो उतना चल भी नहीं रहा था क्योंकि मलाई था और थोड़ा सा तेल में बनाए थे। मैं कोई भी सब्ज़ी होता है ना तो तेल में बनाती हूँ क्योंकि तेल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा बिल्कुल तेल डाले थे, लेकिन बाद में जो मलाई घी छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा वो चल नहीं रहा था। थोड़ा थोड़ा जैसे कर करके ही खाओ तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मलाई की सब्ज़ी थी, तो बहुत लोगों ने पूछा था कि मुझे नहीं समझ में आया, आप बताइएगा किस चीज़ की सब्ज़ी थी। तो मलाई की सब्ज़ी थी और बहुत बहुत मतलब बिना तामझाम करे बहुत टेस्टी सब्ज़ी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का है। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए मेरी वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगती है मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।